हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम एस एडिट। तो है गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज का वीडियो गाइस फिर से लेके आ गए एक को राजस्थानी धमाकेदार डीजे स्टेटस होने वाला है, और आज का सॉन्ग होने वाला गाइस सैड स्टेटस होने वाला राजस्थानी सॉन्ग के ऊपर। तो सबसे पहले तो गाइस आपको स्टेटस दिखा देता हूं गाइस। उससे पहले आज की इस वीडियो के अंदर किस चैनल का प्रमोशन होने वाला गाइस वो जल्दी से चल के देख लेते हैं गाइस। तो यहां पे आपको साइड में मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी गाइस, तो यहां पे इस चैनल का नंबर आ चुका है। इस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो इस भाई को जाकर सपोर्ट करना, और कल ना आपका नंबर भी आएगा तो ये भाई भी आपको सपोर्ट करेगा, ये भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करेगा गाइस, ठीक है ना। तो चलो गाइस अब दिखा देता हूं आपको स्टेटस। तो स्टेटस देखेगा फोन तारो बिजी कट्ठे चले मरी बिट्टू ये फोन तारो फोन तारो क्यों तारा बाबू न तड़पावे मरी जीकू ये फोन उठाले फोन उठाले हाथ काट पाले दसू तारो नाम लिखो जानू ये। तो है गाइस आज का स्टेटस आपको कैसे लगा? स्टेटस अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और इसी तरह का सेम टू सेम स्टेटस बनाना गाइस तो वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कर लेना, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और गाइस अगर आप भी अपना चैनल प्रमोशन करवाना चाहते हो फ्री के अंदर, तो ये चार स्टेप फॉलो कर लेना, आपका चैनल भी प्रमोशन हो जाएगा। तो ये चार स्टेप कौन कौन से गाइस वो मैं जल्दी से बता देता हूं गाइस। तो पहला गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, दूसरा गाइस इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कर लेना, और तीसरा गाइस इस वीडियो के अंदर एक कमेंट जरूर करना, और चौथा गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए। लेकिन गाइस जो गाइस ये चारों स्टेप फॉलो करेगा उसका नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो मेरे रेगुलर वीडियो देखते होंगे सभी को पता कैसे नंबर आता गाइस, ठीक है ना गाइस। तो चलो गाइस अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, बताता हूँ इस तरह का स्टेटस आपको कैसे बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सो हेलो दोस्तों, आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले इस वीडियो को बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, अलाइट मोशन। अगर आपको अलाइट मोशन का मॉड वर्जन चाहिए गाइस तो वो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, तो दोनों पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा गाइस। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा गाइस। तो आपको करना क्या होगा गाइस, ये दो प्रोजेक्ट आपको इंपोर्ट कर लेना, पहला रहेगा एम एस एडिट बिटमार्क प्रोजेक्ट, दूसरा रहेगा एम एस एडिट इफेक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है गाइस। दोनों प्रोजेक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे। तो सबसे पहले तो ये दोनों प्रोजेक्ट को आप इंपोर्ट कर लेना, इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले आपको बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखना होगा गाइस। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत आसान स्टेप से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिख रहा होगा गाइस, यहाँ पे लिरिक्स आ। तो यार गाइस मेरे तो हिंदी के अंदर दिख रहे हैं, आपको इंग्लिश के अंदर दिखेंगे। तो आपको करना क्या होगा गाइस, इसी लिरिक्स पर क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे डबल एड एक्स पे क्लिक करना, ऊपर जाना, यहाँ पे क्लिक करना, और ये वाला फॉन्ट आपको डाउनलोड कर लेना। इस फॉन्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, डाउनलोड करना, ऐड करना, जैसे चेंज करोगे तो हिंदी के अंदर हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जितने भी लिरिक्स है गाइस, आगे भी लिरिक्स रहेंगे, इनके सभी का आपको फॉन्ट चेंज कर लेना। उसके बाद आगे आना गाइस, यहाँ पे भी आगे भी लिरिक्स रहेंगे, इनका भी आपको फॉन्ट चेंज कर लेना, जो देखिए गाइस कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो एक ही फॉन्ट यूज किया हुआ, और यहाँ पे भी आपको लिरिक्स देखने को मिलेंगे गाइस। अब करना क्या होगा गाइस, सबसे पहले तो आपको स्टार्टिंग के अंदर आना है, और यहाँ से पहले तो बेक आ जाना है। बेक आने के बाद इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे देखिए ये तीन लेयर दिख रहे होंगे, ऊपर से एक दो और ये तीन, इन तीनों लेयर को आपको कॉपी करना होगा। कॉपी कैसे करना है, इन तीनों लेयर को आपको सेलेक्ट करना, इस प्रकार से होल्ड करके रखना, सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इन तीनों को आपको सेलेक्ट कर लेना कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद प्लस लेयर पर क्लिक करके और कॉपी थ्री लेयर पर क्लिक कर देना गाइस। तो तीनों लेयर यहाँ से कॉपी हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आपको बेक आना है, बिट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, स्टार्टिंग के अंदर आना गाइस, और यहाँ पे प्लस लेयर पर क्लिक करके पेस्ट थ्री लेयर पर क्लिक कर देना गाइस। तो ये तीनों लेयर यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे गाइस, ठीक है। तो अभी कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। अब आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान इस तरह से बताने वाला हूं। अब ये तीनों लेयर का लेयर यहाँ तक ये गाइस, अब तीनों लेयर को कहाँ तक रखना होगा वो मैं बता देता हूँ गाइस। ये तीनों लेयर आपको इस बिट मार्क तक रखना है, ठीक है ना गाइस। तो इन तीनों लेयर को इस प्रकार से देखिए, इस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट लेयर पे, इस पर क्लिक करके इस वाला आइकन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यार ये दूसरा लेयर, इस पर क्लिक करेंगे, स्पीड पर क्लिक करके इस वाला आइकन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आ जाए, ओके जी। इसके बाद नीचे वाला लेयर, इस पर भी क्लिक करेंगे, स्पीड पर क्लिक करके इस वाला आइकन पर क्लिक कर देंगे, ये भी यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है ना गाइस। अब यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया गाइस। उसके बाद ये लेयर आपका हाइड रहेगा, ऊपर ऊपर वाला, इसको ऑन कर देना। जैसे ऑन करोगे कुछ इस प्रकार से दिखने लग जाएगा गाइस। अब आपको इस लेयर को यार करना क्या होगा, लिरिक्स के नीचे लेना होगा। तो इस प्रकार से इस लेयर को आपको होल्ड करके रखना, और नीचे आपके जो लिरिक्स है गाइस, देखिए ये रहे लिरिक्स, लिरिक्स के नीचे ले लेना, तो आपके लिरिक्स यहाँ पे दिखने लग जाएंगे कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको एक फोटो ऐड करना होगा। फोटो ऐड करने के लिए स्टार्टिंग के अंदर आना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना, और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फोटो है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया गाइस, और यहाँ पे ये वाली फोटो मैं ऐड कर लेता हूँ गाइस, ये वाली।
और ये वाली फोटो आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा गाइस, तो इसको डाउनलोड कर लेना गाइस, ठीक है। उसके बाद में ऐड करना, तो इसी फोटो पर क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पर क्लिक कर देना गाइस, तो फोटो यहाँ पे आ जाएगी। अभी इस फोटो को फुल स्क्रीन करना, थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंप्रेशन एरिया पर क्लिक कर देना गाइस, ये फोटो फुल स्क्रीन हो जाएगी। अब आपको करना क्या होगा गाइस, इस फोटो को भी आपको बैकग्राउंड के अंदर लेना होगा। उससे पहले गाइस, इस फोटो का लेयर आपका यहाँ तक ही है, तो इसको क्या करना होगा गाइस, यहाँ पे देखिए जो ये गाइस ये लेयर आपने रखे थे इनके बराबर में इन लेयर को भी यहाँ तक रखना होगा, तो जो अभी आपने फोटो ले गई थी गाइस, ठीक है। इसी फोटो पे क्लिक करना, स्पीड पे क्लिक करके इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना गाइस, तो ये यहाँ तक आ जाएगा। ओके गाइस, अब आप इस फोटो को बैकग्राउंड के अंदर लेना होगा, तो पहले स्टार्टिंग के अंदर आना है और इस वाली फोटो को इस प्रकार से होल्ड करके रखना और नीचे की तरफ ले जाना गाइस, तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे सॉन्ग के जस्ट ऊपर लाके इसको सेट कर देना, तो आपकी वीडियो देखोगे गाइस तो कुछ इस प्रकार से इसके अंदर देखने को मिलना गाइस, जो लिरिक्स वगैरह। अब गाइस इस फोटो के अंदर आपको एक इफेक्ट लगाना होगा जो प्लेस की तरह इफेक्ट आता है, ठीक है ना गाइस, तो वो इफेक्ट इसके अंदर ऑलरेडी रहेगा गाइस, जो देख सकते हो यहाँ पे एक ग्रुप रहेगा, एक नंबर ग्रुप, ठीक है, ये वाला ग्रुप रहेगा। अब इस ग्रुप को क्या अनग्रुप कर दोगे तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर इफेक्ट लग जाएगा, तो इस ग्रुप को अनग्रुप करना है, इसी लेयर पे आपको क्लिक करना है, ग्रुप पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके अनग्रुप पे क्लिक कर देना गाइस, ठीक है ना गाइस, तो ये ग्रुप अनग्रुप हो जाएगा। अभी देख सकते हो गाइस इसके अंदर प्लेस देखने को मिलेगा, उसके बाद आगे जाओगे फिर से आपको देखिए प्लेस देखने को मिल रहा है गाइस, ठीक है, इस प्रकार से आपको प्लेस देखने को मिलेगा गाइस, ठीक है। अब यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया गाइस, जो देख सकते हो गाइस ये इफेक्ट लग चुके हैं यहाँ पे। अब आपको क्या करना गाइस, इस बिट मार्क पे आ जाना और यहाँ से आपको फुल स्क्रीन फोटो ऐड कर लेना गाइस, जो अभी मैं बता दूंगा कैसे फोटो ऐड करना गाइस। उसके बाद में गाइस इस बिट मार्क पे आ जाना। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे भी आपको एक बैकग्राउंड के अंदर फोटो ऐड करना होगा गाइस, जो देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा होगा। बैकग्राउंड के अंदर फोटो ऐड करने के लिए इस बिट मार्क पे आ जाना 17.10 सेकंड पे, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फोटो है गाइस, तो मेरे को ये वाली फोटो ऐड करना, फोटो पे क्लिक करेंगे फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देंगे फोटो यहाँ पे आ जाएगी। फोटो को फुल स्क्रीन करना, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंप्रेशन एरिया पे क्लिक कर देंगे, फोटो का साइज फुल हो जाएगा। अब इस फोटो को आपको अगले बिट मार्क तक लेना होगा, तो अगले बिट मार्क पे जाना है, तो इस पर दो बार क्लिक करेंगे तो अगले बिट मार्क पे चला जाएगा, उसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे ये फोटो यहाँ तक आ जाएगी, जो देख सकते हो गाइस, ठीक है। अब आप इस फोटो को बैकग्राउंड के अंदर लेना होगा, तो इस प्रकार से इस फोटो को होल्ड करके रखना और नीचे की तरफ आपका बैकग्राउंड है, तो गाइस ये वाला लेयर इसके नीचे ले लेना होगा, तो आपके लिरिक्स वगैरह कुछ इस प्रकार से दिखने लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से खाली जगह दिख रही होगी, यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन फोटो ऐड करना है गाइस, और उसके बाद में आपको इस बिट मार्क पे आ जाना है 25.10 सेकंड पे, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको लेयर देखने को मिलेंगे गाइस, जो देख सकते हो, ठीक है। अब इनके अंदर आपको फोटो ऐड करना होगा गाइस, जो फ्रेम दिख रहे होंगे गाइस, इन फ्रेम के अंदर आपको फोटो ऐड करना होगा। फोटो कैसे ऐड करना गाइस वो मैं बता देता हूँ गाइस, तो सबसे फर्स्ट वाले इस वाले बिट मार्क पे आ जाना 25.10 सेकंड पे, ठीक है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला लेयर ये वाला है, तो इसके नीचे आपको इसके अंदर आपको फोटो लगाना होगा, तो इस वाले लेयर पे क्लिक करना, ठीक है, जो ये वाला लेयर है इस पे क्लिक करना है, उसके अंदर कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, स्टार वाले आइकन पे क्लिक कर देना गाइस, ठीक है। अब इसके अंदर आपको फोटो ऐड करना गाइस, मेरे को ये वाली फोटो ऐड करना, फोटो पे क्लिक करेंगे फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना गाइस, ये फोटो इसके अंदर आ जाएगी गो गाइस, जो कुछ इस प्रकार से देख रही है गाइस, ठीक है, देख सकते हो कितनी शानदार तरीके से देख रही है गाइस, ठीक है। उसके बाद आगे जाना है और आगे फिर से यहाँ पे अगले बिट मार्क पे ये वाला जो मिल रहा होगा गाइस, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस ये वाला फ्रेम मिल रहा है। अब इसके अंदर भी आपको फोटो ऐड करना, फिर से इस फ्रेम पे क्लिक करना, उसके अंदर कलर एंड फिल पे क्लिक करना, स्टार वाला आइकन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अपन सेकंड फोटो ऐड कर लेते गाइस। कौन सी फोटो ऐड कर लाते हूँ गाइस मैं, ये वाली फोटो ऐड, फोटो पे क्लिक करेंगे फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना गाइस, फोटो इसके अंदर आ जाएगी गाइस, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगले बिट मार्क पे जाना, फिर इसके अंदर भी फोटो ऐड करना, फिर से इस लेयर पे क्लिक करेंगे, कलर एंड फिल पे क्लिक करेंगे, स्टार वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर अपने सेकंड फोटो ऐड कर लेते गाइस, ये वाले फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देंगे, फोटो इसके अंदर आ जाएगी, जो देख सकते हो गाइस, ठीक है। अब यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया, उसके अगले बिट मार्क पे जाना है और यहाँ पे फिर से आपको ये फ्रेम मिल रहा होगा गाइस, इसके अंदर फोटो ऐड करना, फिर से इसी लेयर पे क्लिक करना, कलर एंड फिल पे क्लिक करना, स्टार वाले आइकन पे क्लिक करना और इस बार हम ये वाली फोटो ऐड कर लेते हैं, फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना गाइस, फोटो इसके अंदर आ जाएगी, जो देख सकते हो गाइस, ठीक है। अब ये कि यही फोटो आपको बैकग्राउंड के अंदर आपको ऐड करना होगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है गाइस, 28.29 सेकंड से लेके और यहाँ पे ये तीन फोटो गाइस, ये तीनों फोटो ये कि ये सेम फोटो आपको बैकग्राउंड के अंदर भी ऐड करनी होगी गाइस, तो इस बिट मार्क पे आ जाना, पहले 28.19 सेकंड में प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस। तो सबसे पहले ये वाली फोटो हमने ऐड करी थी गाइस, कौन सी, ये वाली फोटो, ठीक है, फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देंगे, ये फोटो यहाँ पे आ जाएगी। अब इस फोटो को फुल स्क्रीन करना, थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंप्रेशन एरिया पर क्लिक कर देना, अगले बिट मार्क पे जाना, पीछे के स्टेप काटना, इस वाला आइकन पर क्लिक कर देना, कट जाएगा गाइस। अब देखिए गाइस ये फोटो को मेरे को बैकग्राउंड के अंदर लेना होगा, तो इस प्रकार से इस फोटो को होल्ड करके रखना और नीचे की तरफ ले लेना गाइस, ठीक है, तो ये फोटो बैकग्राउंड के अंदर चली जाएगी, जो कुछ इस प्रकार से आ रही है, जो देख सकते हो गाइस, ठीक है। इसी प्रकार से ये सेकंड फोटो ये वाली आ रही है, अब इस फोटो के अंदर भी आपको इफेक्ट लगाना होगा, ठीक है,
तो फोटो के अंदर इफेक्ट लगाने के लिए इस बिट मार्क पे आ जाना, फिर से अगले फोटो पे और फिर से प्लस इस बिट मार्क पे आ जाना, अगले बिट मार्क पे फिर से फोटो ऐड करना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना जिस भी फोल्डर के अंदर फोटो गाइस, ठीक है। तो सेकंड वाली फोटो ये वाली गाइस है, फोटो पे क्लिक करेंगे फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना गाइस फोटो यहाँ पे आ जाएगी। फोटो को फुल स्क्रीन करना, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंप्रेशन एरिया पे क्लिक कर देना गाइस, फोटो का साइज फुल हो जाएगा। अगले बिट मार्क पे जाना, पीछे के स्टेप आउट करना, इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, कट जाएगा। और इस फोटो को बैकग्राउंड के अंदर लेना होगा, तो इस प्रकार से इस फोटो को होल्ड करके रखना, नीचे की तरफ ले आना। और इसके अंदर अपन ने एक गलती कर दी थी गाइस, इस फोटो के अंदर अपन ने देखिए इस फ्रेम के अंदर भी यही फोटो लगाई थी और इस फ्रेम के अंदर भी यही फोटो लगाई, तो इस फोटो को मैं चेंज कर लेता हूँ गाइस। तो इसी फ्रेम पे फिर से क्लिक करेंगे गाइस और कलर एंड फिल पे क्लिक करेंगे, स्टार वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और इस बार हम सेकंड वाली फोटो ये वाली ऐड करेंगे, प्लस पे क्लिक कर देंगे गाइस, तो ये फोटो इसके अंदर आ जाएगी। तो देख सकते हो गाइस दोनों फोटो सेम हो जाएगी गाइस, जो देख सकते हो। इसी प्रकार से ये लास्ट फोटो गाइस, तो इस बिट मार्क पे आ जाना 30.1 सेकंड पे, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना और यहाँ पे ये वाली फोटो ऐड करेंगे गाइस, जो सेम फोटो गए। तो फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी। फोटो को फुल स्क्रीन करना, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंप्रेशन एरिया पे क्लिक कर देंगे, फोटो का साइज फुल हो जाएगा। अब इस फोटो को आपको बैकग्राउंड के अंदर लेना होगा, पहले तो अगले बिट मार्क पे जाना और पीछे के स्टेप आउट करना, इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, खड़े जाए। अब इस फोटो को बैकग्राउंड के अंदर लेना होगा गाइस, तो फोटो को इस प्रकार से होल्ड करके रखना, नीचे की तरफ ले लेना, तो कुछ इस प्रकार से आपको फोटो देखने को मिलेगी गाइस, जो बहुत ही शानदार तरीके से आ रही है। अब यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया गाइस। अब जहाँ जहाँ खाली जगह है ना गाइस, वहाँ पे आपको फोटो ऐड करना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कहाँ खाली जगह गाइस, वहाँ पे चले जाना है। तो वहाँ पे मैं एक फोटो ऐड करके दिखा देता हूँ गाइस, बाकी फोटो आप ऐड कर ले। तो यहाँ पे खाली जगह स्टार्ट हो जाती है गाइस 11:20 सेकंड पे, ठीक है। तो यहाँ से आपको फोटो ऐड करना है गाइस, इस बिट मार्क पे आना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना और यहाँ से आपको फोटो फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फोटो है, तो फोल्डर सेलेक्ट करिए गाइस। और मेरे को ये वाली फोटो ऐड करना, फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना गाइस, फोटो यहाँ पे, फोटो को फुल स्क्रीन करना, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंप्रेशन एरिया पे क्लिक कर देना गाइस, फोटो का साइज फुल हो जाएगा। अगले बिट मार्क पे जाना है और पीछे के स्टेप आउट काटना गाइस, तो इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना गाइस, तो पीछे के स्टेप आउट कट जाए। इसी प्रकार से गाइस आपको एंड तक फोटो ऐड कर लेना, जहाँ खाली जगह गाइस, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे मैं सभी फोटो ऐड करके फिर बताता हूँ आपको गाइस। सो ओके गाइस, मैंने एंड तक फोटो ऐड कर ली गाइस, जो देख सकते हो। इस प्रकार से आपको फोटो ऐड कर लेना गाइस। अब इन फोटो के अंदर इफेक्ट लगाना गाइस, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वाली फोटो ये वाली आ रही है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो 11:20 सेकंड पे, ठीक है। अब इस फोटो के अंदर आपको कौन सा इफेक्ट लगाना गाइस, तो यहाँ से आपको बैक आना है और उसके बाद इफेक्ट वाले पेज को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाली फोटो आ रही है गाइस, ये वाली फोटो, इस फोटो पे क्लिक करना है, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना गाइस, ठीक है। कॉपी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है, बिट मार्क और पेज को ओपन कर लेना गाइस। और यहाँ पे आपकी सबसे फर्स्ट वाली फोटो कहाँ पे आ रही है, वहाँ पे चले जाना है। तो सबसे फर्स्ट वाली फोटो आ रही है गाइस यहाँ पे 11:20 सेकंड पे, ठीक है। फोटो पे क्लिक करना, उसका इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके अंदर थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, ठीक है। तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा गाइस। अब ये इफेक्ट आपको कितनी फोटो के अंदर लगाना, वो टाइमिंग देख लो गाइस, 11:20 सेकंड से लेके गाइस, और ये इफेक्ट आपको यहाँ तक लगा देना गाइस 17:10 सेकंड, यहाँ तक जितनी फोटो आ रही सभी के अंदर ये वाला इफेक्ट इस प्रकार से आपको पेस्ट कर देना गाइस, ठीक है। तो यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया गाइस, ठीक है। अब उसके बाद आगे जाना गाइस, और आगे जाने के बाद में यहाँ पे आ जाना गाइस, ठीक है। इस बीट मार्क पे आ जाना है 20:04 सेकंड पे, यहाँ पे फिर से फोटो देखने को मिलेगा गाइस फुल स्क्रीन। अब इस फोटो के अंदर कौन से इफेक्ट लगाने गाइस, तो यहाँ से आपको बैक आना है, इफेक्ट वाले पेज को ओपन कर लेना गाइस, और यहाँ पे दो नंबर वाली फोटो, ये वाली फोटो, फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके अंदर थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना गाइस, ठीक है। कॉपी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है, बीट मार्क वाले पेज को ओपन कर लेना गाइस, उसके बाद आपको चले जाना गाइस इस बीट मार्क पे आ जाना है, जो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ गाइस आपको। आपको आ जाना गाइस इस बिट मार्क पे 20:04 सेकंड पे, फोटो पे क्लिक करना, उसके इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके अंदर थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, ठीक है। तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा गाइस, और उसके अंदर ये इफेक्ट आपको कितनी फोटो के अंदर लगाना, टाइमिंग देख लो गाइस 20:04 सेकंड से लेके गाइस और यहाँ तक, ठीक है गाइस 25:10 सेकंड तक, यहाँ तक जितनी फोटो आ रही सभी के अंदर ये वाला इफेक्ट आपको इस प्रकार से पेस्ट कर देना गाइस, ठीक है। अब यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया गाइस। अब आपको करना क्या होगा, इसके अंदर एक इफेक्ट रहेगा गाइस, जो आपने फोटो ऐड करी ना गाइस लास्ट वाली, इस फोटो पे आपको क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना गाइस, उसके अंदर देखिए यहाँ पे एक इफेक्ट रहेगा नीचे नीचे ये वाला इफेक्ट, इसको कॉपी कर लेना गाइस, ठीक है। तो इस इफेक्ट पर क्लिक करना है, उसके अंदर डॉट पर क्लिक करके और यहाँ से कॉपी पिक कर लेना गाइस, कॉपी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना गाइस, और गाइस यहाँ पे इस फोटो पे आ जाना आपको, जो देख सकते हो गाइस आपने बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पे फोटो ऐड कर रखी गई, जो मैं बता देता हूँ गाइस ये वाली फोटो गाइस जो बैकग्राउंड के अंदर ये वाली, अभी इस फोटो के अंदर आपको वो इफेक्ट लगाना है जो अभी आपने कॉपी किया, इसी फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके अंदर डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, ठीक है। तो इसके अंदर जो पार्टिकल वाला इफेक्ट है वो लग जाएगा गाइस, जो कुछ इस प्रकार से आएगा गाइस, जो देख सकते हो, ठीक है ना गाइस। अब यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको इसके अंदर बॉर्डर पीएनजी ऐड करना होगा, बॉर्डर पीएनजी ऐड करने के लिए यहाँ से आपको बैक आना है
उसका इफेक्टल ब्रिज को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे नीचे चले जाना, एक लेयर मिलेगा ये वाला लेयर, ठीक है। इस लेयर पे क्लिक करना, उसके अंदर यहाँ पे प्लस लेयर पे क्लिक करना और कॉपी लेयर पे क्लिक कर देना, कॉपी हो जाएगा। उसके अंदर यहाँ सबको बे करना, बीट मार कर ब्रिज को ओपन कर लेंगे और स्टार्टिंग के अंदर रहना प्लस, और यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग के अंदर रहना प्लस पे क्लिक करना और यहाँ पे पेस्ट लेयर पे क्लिक कर देना गैस, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए बॉर्डर पिंज ऐड हो गया गैस, इस बॉर्डर पिंज को एंड तक करना है, तो इस लेयर पे क्लिक करना गैस इस प्रकार से और एंड के अंदर चले जाना और इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना गैस, तो एंड तक आ जाएगा। फाइनल गैस आपका वीडियो पूरा कंप्लीट बन चुका है। अब इसके अंदर अपना लोगो ऐड कर लेना गैस, लोगो ऐड करने के बाद इस वीडियो को सेव करना, इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, वीडियो पे सेलेक्ट करना, उसके इस वाले आइकन पे क्लिक करके और उसके बाद एक्सपोर्ट रिजोल्यूशन वो सेलेक्ट करना, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना जो भी आपके फोन में सपोर्ट कर रहा है गैस वो रख लेना। तो मेरे फोन में 1080 सपोर्ट कर रहा है गैस, तो मैं 1080 रख लेता हूँ और इसको फुल कर देना गैस। अगर क्वालिटी कम है गैस तो क्वालिटी को बढ़ा देना, उसके बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना गैस, तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होने लग जाएगी गैस, ये पूरी 100% एक्सपोर्ट हो जाएगी गैस। उसके बाद यहाँ पर सेव का बटन आएगा, सेव का बटन पर क्लिक कर देना गैस, तो आपकी वीडियो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी गैस।